दीपोत्सव पर अयोध्या को मिलेगा दिवाली का बंपर गिफ्ट, लगभग 4000 करोड़ की 66 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में 4 पक्षकार बनाने का आवेदन खारिज, मुस्लिम पक्ष को 100 रुपए के हर्जाने पर मिला वक्त, अब 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने लखनऊ में किया शहीद पुलिसकर्मियों को नमन, कहा चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए बेहद कठिन हालात में काम करती है पुलिस। लखनऊ की गोमती नदी घाट का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया निरीक्षण, छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा, झाड़ू लगाकर की घाट की सफाई। सीएम योगी को बहादुर और निडर बताने वाले माफिया अतीक के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार, तारीफ करने से नहीं रुकने वाली कार्रवाई, अपराधियों के खिलाफ जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट से विधायक अब्बास अंसारी को मिली जमानत, 10,000 के बॉन्ड पर मिली बेल, आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी ने किया था सरेंडर। यूपी के बिना मान्यता प्राप्त अवैध मदरसों पर लगेगा ताला, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, सर्वे में कई जिलों में मिले हैं अवैध मदरसे। नोएडा की हाइट पार्क सोसाइटी में गार्ड से मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सोसाइटी में चुनाव को लेकर हुआ था विवाद। जालौन में मनाई जाएगी कामधेनु दिवाली, लोगों को भा रहे गाय के गोबर से बने दीपक। उन्नाव में 1,25,000 दीपक से जगमग हुए गंगा के घाट, सिद्धपीठ चंद्रिका देवी मंदिर बक्सर घाट पर जलाए गए 1,00,000 दीपक, रोहतकपुर गंगा घाट पर जले 25,000 दीपक।